स्वागत अपने YouTube चैनल पे। मैं ज्योति रिमान एंड साथ में आर के पहाड़ी ब्लॉगर। तो आप बने रहिए वीडियो पे। आज हम करने वाले एक नाइट स्टे घने जंगल के बीच में, तो देखते हैं हो पाता है नहीं हो पाता है। तो एंड तक वीडियो में बने रहिए। ले लिया बैग भी पैक है, तो चलते हैं हम वहाँ जाएंगे उस साइड, शमशान घाट है गाइस उस साइड। उस साइड अब भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा, अभी तो हम यहाँ से घर से निकल रहे हैं और काफी ज्यादा देख लो अंधेरा ही अंधेरा है। तो देख लो गाइस अभी बस ये सिर्फ टॉर्च की लाइट है अपनी फोन की, और भाई देख लेना टॉर्च कर लेना फोन की अगर अंधेरा लगता है। देखो ये तो रेवल थक गए होला, मैं तो थका। ज्योति गाइस थोड़ी सी चढ़ाई है, तो मतलब यहां से चढ़ाई है थोड़े थोड़े थके हैं, तो गाइस क्योंकि हमने सामान भी लिया है। तो पहली बार हम तीनों कैंपिंग कर रहे हैं, पहली बार मतलब मैं उठा लूंगा सामान घर से। ऐसे तो घर के वाले जंगल में रहेंगे, मतलब हम भयानक जंगल है बहुत, आजकल जानवर वगैरह भी आए हैं बहुत, और गाइस अंधेरा बिल्कुल हो चुका है, दिख रहा है अब तो नीचे भाई फ्लैश लाइट लगा, भाई रास्ता बताना। तो गाइस एक तो देखो अंधेरा काफी हो गया, और ऐसे ऐसे रास्तों से आना पड़ रहा है दोनों भाई पीछे रह गए। आओ भाई ये जल्दी ब्लर हो गया एक तो, पता नहीं क्या हुआ। देखो इनका तो एक्सपीरियंस सांस फूल रही अब तो भाई, पीछे से लाइट ऑफ करो धीरे धीरे, और बहुत खतरनाक। ओ यार गिर गया था वो, ओ दिया भाई। तो देखो रास्ता देखो, तो भाई आप दे दो, आ जाओ आराम से ज्योति, आ जाओ आराम से आना। घना जंगल है बहुत ही ज्यादा, कभी भी कुछ कुछ भी आ सकता है, मतलब जानवर भी। तो यहाँ से संभल कर चलना पड़ेगा, घने जंगल से निकल ही जाते, जल्दी जल्दी चलते हैं। और चलो कोई बात नहीं कर लेंगे, मैं एडजस्ट, रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो भाई लोग वीडियो में प्लीज अंत तक बने रहे, आप लोगों के लिए हम इतना रिस्क उठा रहे, मतलब वीडियो बना रहे रात को तीनों भाई बहन। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे पास गाइस बता दे दो, टेंट नहीं है, टेंट नहीं है, विदाउट टेंट हम कैंपिंग करने वाले हैं। तो यही मतलब मेन वो है कि वैसे तो टेंट के साथ बहुत कैंपिंग करते हैं, टेंट में गर्मी, और हमने खुले में कैंपिंग करनी है। तो और आजकल बताने मतलब पिछले कल ही बर्फ पड़ी है ऊपर ऊपर पहाड़ों में, तो आजकल ठंडा इतना ज्यादा है, और साथ में शमशान घाट है, तो नाला भी साथ में, जंगल में जानवरों का डर साथ में। क्या हो गया भाई टाइम? 7:32 7:32 हो गया गाइस, देखो 6:15 से निकले थे हम ना, तो नाले में आए अभी हम शाम को, तो आप देख सकते हो पानी यहाँ से भर लेते हैं हम। सो गाइस ये देखो ये पारा गिरती, तो ये देख सकते हो आप यहीं पर शमशान घाट है, और उस साइड हम मतलब पेड़ के उस साइड 100 मीटर की दूरी में हम कैंपिंग करने वाले हैं। हाँ यहाँ जैसे ऊपर जैसे हमको लोकेशन मिल गई है वहाँ करेंगे हम मतलब अपना सेटअप, और लकड़ियाँ ले ली है देखो, पानी भी भर लिया है। तो गाइस फाइनली हमें यहीं पर ही करेंगे हम कैंपिंग स्टे रात को, क्योंकि हमने टेंट तो हमने लगाना नहीं है वैसे भी, तो हम यहीं पर ही कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा साफ भी है, यहाँ ऊपर पेड़ भी है साथ में, तो चूल्हा भी साइड लगाएंगे, और ये सारी हम सफाई करेंगे, और यहाँ पर बिस्तरी यहाँ पर कर लेंगे हम। ये लकड़ी वगैरह ला लिए ज्योति ने, हम भी लाते हैं फिर ले, चलो पत्थर ले आते भाई, सेटअप कर लेते हैं फिर बताते हैं आपको, चूल्हा लगाओ अब सेटअप कर लो फिर देखते हैं। हाँ तो गाइस पत्थर ला के मिलते हैं आपसे। सो गाइस पत्थर हमने ला लिए, तो लगा लेते हैं चूल्हा, दीपक कोयल लगा रहे चूल्हा, और ज्योति ने यहाँ पर चटाई वगैरह बिछा ली है कंबल, तो चलो बाद में अभी तक ओढ़ेंगे नहीं हम। तो गाइस ये आप देख सकते हो 3 मैगी लाई हमने, नमकीन और चिप्स लाए, तो ये अपने मैगी छुरी, और ये अपना स्पीकर गाने सुनने के लिए, एंड वो लग रहा है चूल्हा तो जल रही है आग। तू अपना फोन ले, हम लकड़ी लाते हैं, डरना मत ठीक है। नहीं नहीं चलो जाके आओ, तो थोड़ा सा जाते हम, ज्यादा तो नहीं, क्योंकि हमारी बहन पीछे के लिए जो होती ना कहीं डरे डूरे ना, तो यहीं से लौट जाएंगे हम भी, और जंगल में हम भी जाएंगे ज्यादा भयानक जंगल में। हमने टेंट मतलब थोड़े पास में ही लगाया है, पास में नहीं मतलब खुले में लगाया है, तो बस हो गई है लकड़ी मिल गई ना। तो गाइस आगे खतरनाक वाला जंगल है, इससे आगे हम जाएंगे नहीं, देखो आप
वीडियो को लाइक कर दो इतनी देर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो गाइस पहली बार हम प्लीज नाइट पे स्टे कैंपिंग कर रहे हैं, वो भी विदाउट टेंट। प्लीज हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि हमें सपोर्ट करें गाइस, मेरे को भी, ज्योति को भी और हम दोनों की चैनल है, आर के पहाड़ी व्लॉग्स और ज्योति दीवान व्लॉग्स और भाई का चैनल। दोनों पे आपको वीडियो मिल रही है, अगर मेरे पे देख रहे हो तो भाई के चैनल पे जाकर चेक करो और डिस्क्रिप्शन में दोनों के चैनल मिलेंगे और दोनों के चैनल अभी खा लेते हैं हम, ये बनेगी मैगी। लो भाई भाई ठंड लग रही है तो भाई तीन मैगी लग जाएगा, डाल दो तीन मैगी को थोड़ा सा और डालो बस। घर उतनी दूर देखो, छोटे छोटे लाइट दिखाई दे रही है, घर है मतलब। और साइड में अब गाने भी लगा रहे हैं अपने तो। चलो बोल तो गाइस थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, मैं फिर के बाद कई गाने गुन गाते हैं और मुआ सेट कर देंगे तो तीनों भाई बहन करेंगे एंजॉय। रुको मैं डाल दो एक नमक भी डाल दो, नमक मैंने डाल दिया यार, डाल दिया। अब टेस्ट करना है पहले, थोड़ा सा मेरे खा लेते हैं गाइस भाई, हम खा लेते बहुत मजा आता है, इसको लगा देते हैं। वो यादें जाने संग मेरे कब तक चले, इन्हीं में तो मेरी सुबह भी ढले शाम ढले मौसम ढले ख्यालों का शहर, तू जाने तेरे होने से ही आबाद है हवाएं हक में, वही है आते जाते जो तेरा नाम ले देती है जो सदाएं हवाएं हवाएं, न जाने क्या बताएं। तो गाइस मैगी हमारी तैयार हो चुकी है और ज्योति ने खोल दी मैगी, तो भाई आग देख लो, और मेरे को तो कम ही लग रही है गाइस मैगी, इससे तो कुछ गुजारा ही नहीं होगा। कुछ नहीं है भाई, करना पड़ेगा पानी पूरी पी कर, कोई याद नहीं आज की रात हमें ऐसे सेन करना पड़ेगा। तो इन पत्र को उठाओ अब, यहाँ पर बोनफायर जलेगा भाई को थोड़ी ठंड में मेरे को आता है कुछ नहीं, आग भाई जलाए रखेंगे हम इधर ही, सोने का अपना इरादा ही नहीं वैसे, मैं फिर जाए मतलब नींद तो आ जाएगी थोड़ी देर सोएंगे ना। तो चलो हां जी, यहां पर पाला तो नहीं पड़ी, हां पाला पड़ा है तो मतलब उस क्या बोलते हैं उसको, वो पड़ी गाइस क्योंकि गीला गीला हो चुका है हां। अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, अरे सुन ये जला बिछा दे इसको इधर, हां इसको बिछा दो साथ में, हम और लकड़ियां रखी हुई हैं साइड में हमने, तो उनको भी ले आएंगे ऐसे बड़े बड़े ठेले थोड़ी देर बाद, तो तब तक के इकट्ठा कर देते हैं देर कंबल में बैठते हैं मेरे आईडी से कि आगे कंबल में बैठते हैं, कंबल में बैठते हैं भाई इनको ऐसे रखो, ये नहीं पूछेगी
इसको ऐसे जलाए रख थोड़ी, मतलब अपने नजदीक आग जली रहेगी ना अच्छी तरीके। गाने गुने लगाओ। आग जली हुई है यहाँ पर साइड पे भाई, मेरे फोन की बैटरी अभी है। बैठ चुके हम कंबल में तो इन तो अभी हम लगाएंगे इन दोनों की बरकत की वजह से हमने जाइन लाई है। नो गाइस भाई देखो गाइस कुछ नहीं है, इतना पता नहीं था पर दो कंबल डाल रहे थे रजाई, फिर एकदम से ये उठाई और भाई ने भी चलो डाल दी। कुछ नहीं अब जो भी हुआ हो चुका है, अब तो घर तो जा नहीं सकते, रहना तो हमें यहीं पड़ेगा। चलो कुछ नहीं है, कंबल भी करना पड़ेगा गुजारा। नींद तो मेरे को लगता आने वाली एसी चल पड़ा पीछे से ठंडा ठंडा वो यार भाई कुछ नहीं है, कंबल के अंदर फिट हो जाएंगे हम अभी। तो गाइस अभी गाने गुने लगाते हैं भाई, गाना तो लगाते हैं। सबसे पहले हम ना इनको टाइम दिखा लेते हैं एक बार इन्होंने तो भाई गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे जो है 11:32 हो चुके हैं भाई। एक बार अपने फोन में भी दिखा लो तो देख लो 11:32 ये हमारा, ये देखो 11:32 का टाइम है अभी। तो अभी हम लगा देते हैं, अभी मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट है तो मैं अपने फोन से जो है कुछ नहीं है मोटी कमरे दिल तेनू रहिंदा सदा चीते करदा किसी होर ते ना मरे तेरे ते ही मरदा बन मेरी रानी तेरा राजा बन जा तू ही बन मेरा घर दरवाजा बन जा तेनू एक जावन तेरे वाले उड़िया तू फुल दे मैं टाणी वांगू नाल जुड़िया मैं जदो तेरी खाबा वाली रात तुरिया मैं तुरिया बनाना मितो जावे मुड़िया गाना रुक गया नेटवर्क कम है शायद गाइस तो इसको नींद लगी है तो गाने रहने देते मेरे हेड से है ना तो इसको सोने देते हैं। और इसको क्या मेरे को भी लग रही है नींद तो क्या करना दीप सो जाने की बैठना थोड़ी देर बैठते हैं भी थोड़ी देर वीडियो वगैरह देखते हैं तो हम वीडियो ऑडियो देखते हैं मेरे फोन का चार्जर ही कम है और लाइट भी देखो कितनी सी लाइट है इतनी सी लाइट ये भी डेड होने वाला है तो मतलब डिम हो गई इसकी लाइट और ये तो आग की लाइट है इतनी जो रेड रेड पड़ रही है इसको सोने देते हैं तो थोड़ी सी लकड़ी भी ला देंगे थोड़ी और बाद में यहाँ जलाए ये बैक गांव की लाइट ऑफ हो चुकी है मैं एक दिखाता हूँ आपको उस साइड एक घर की लाइट है अभी तक हूँ ना जूम करके था मैंने और बाकी आप देख सकते हो और एक लाइट तो तारे लगे हुए नहीं वो लाइट ही घर की लाइट दो चार ऊपर चली है बाकी उस साइड वाली तो सारी बंद हो चुकी है बाकी अंधेरा है तारे नहीं दिखेंगे ग्यारह बड़ी जल्दी सो गए लोग है ना चलो लोगों को सुन देते हैं हम भी सोते हैं कहीं की एक भी आवाज नहीं सुनाई दे रही और क्या करना सो जाते थोड़ी देर है ना लेट जाते हैं मतलब लेट जाते हैं गाइस नींद आएगी तो अच्छा नहीं आएगी तो देखते हैं पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा इसको पीछे रखते हैं इसको स्पीकर को पीछे रख देना पूरे मत सो जाना बाकी इसको तो बाद में सुबह ही करेंगे समेटेंगे तो अभी सो जाते हैं कोई नहीं कोई नहीं तो गाइस फोन ये फोन 3 बज चुके हैं गाइस बताता हूं आपको ये तो सोए हुए हैं गाइस अभी ज्योति भी सो गई है अच्छा 3 बज के ठंड भी तो नहीं लगी है तो भी ठीक है ना ज्योति भी सो गई है गाइस अभी तो अभी 3 बजे अभी थोड़ी देर सो जाता हूँ मैं भी फिर 5 बजे हम मतलब थोड़ी देर बाद जब नींद खुलेगी तो फिर हम उठ जाएंगे अपना थोड़ी आग वगैरह सेकेंगे फिर देखते हैं अभी लेट जाता हूँ मेरे से भी नहीं उठ जाएगा मेरे को डर लग रहा है बिल्कुल ही शमशान हो गया गाइस सो जाते हैं अभी कंबल बंद करके सो जाना सो गाइस गुड मॉर्निंग 3 उठ चुके देखो भाई ठंड लग रही है बड़ी भारी है वो किसी को नींद नहीं आ रही होश पड़ी वरना हालत खराब हो गई है आग उग जलाएंगे हम भैया हालत खराब हो गई है ठंड हो गई है तो देख लो जाम हो चुके हैं और टाइम क्या टाइम 5:08 हुए सुबह के 5 करने आग उग मारी देखो सारी बुझ चुकी है वहां पर ब्लर हो गया तो आग उग जलाते हैं क्योंकि ठंड लगी है बहुत मेरा ये ले लिया ना कोई नहीं ले लगा ले कान में लगा तो गाइस भाई सारे में अंधेरा है मां कसम कोई नहीं उठे कोहरा पड़ा हुआ है तो कहीं भी देख सकते हो ऊपर से कोहरा लग पड़ा है और एक की लाइट दिखी एक की लाइट दिखी सुबह के 5 आजकल कोई नहीं उठता क्योंकि ठंड है बहुत ना देखो सास बाप देखो कर लो ज्योति बाप देखो आप ऐसा लग रहा है बीडीपी है बीडीपी
क्या सही हुई नाइट नींद नींद आई तो गाइस सच बताए तो तीनों को नींद नहीं आई, थोड़ी थोड़ी देर आई जाती रही आती रही जाती रही, ऐसे सोए रहे थे हम तो ठंडे में। हमने सोचा भाई गाय आग वगैरह जलाएंगे फिर थोड़ी देर बाद चले जाएंगे हम। आग जलाते ना ज्योति, तू यहाँ बैठ रहे कंबल में, हम चलाते आग। चैलेंज कर दिया भाई, ठंड में बीमार मत होना, सवेर होने दो भाई अभी। तो गाइस जल चुकी है हमारी आग, तो अभी हम ज्यादा लकड़ियां डालेंगे क्योंकि सुबह होने वाली है, 5 तो बज चुके हैं, 6 बजे तक सवेरा भी हो ही जाएगा और फिर हम घर की ओर निकल जाएंगे क्योंकि ठंड है बहुत, घर में भी गालियां सुनेंगे और है ना चली जाएंगे घर के। क्या हाँ जाना है, क्या करना है यहाँ, बर्फ नहीं हमारे पास खाने को बचाए कुछ ना कुछ, यहाँ करना क्या जंगल में। बहुत खतरनाक वाला एक्सपीरियंस था गाइस, ऊपर से ठंड और ठंड के साथ ऊपर से मैगी से भी गुजारा किया मेरा, तो पेट भी खाली है हमारा भी। दूसरा तो भाई भूत वगैरह तो नहीं दिखा रात को। तो गाइस रात को यहाँ पर बहुत बड़ा राक्षस आया था, वो तो दीप को उठा के ले जा रहा था लेकिन मैंने दीप को कपड़ाला मारा और वो मर गया भाई। ऐसा कुछ नहीं होता ऐसे भी हमने, मैं मतलब भूत वगैरह तो मेरे को नहीं लगता होते, पर चलो भाई पॉजिटिव होती है, नेगेटिव एनर्जी भी होती है, ये तो हमें पता। देखो पाला पड़ रहा है, पाला भाई ठंडा ठंडा, ऊपर से दिख रहे होगे आपको छोटी छोटी बंदे, ये तो धुआं चला है वहां लकड़ियों का और बंदे अंदर सोए हैं। देखो अपना ब्लॉग एडिट कर रही है वो यार, और बंदा वहां पर सोया हुआ है क्योंकि करना आपको दिखाऊं मैं। ये देखो आग उग बुझ चुकी है, आग उग से कि हम दोबारा सो गए थे थोड़ी देर, तो ये देखो छोटी छोटी बंदे, देखो लेट होती होने ऊपर से मौसम खराब है, आप देख सकते हो एक भी तारा नहीं आसमान में। आज एक बात है, मतलब वैसे भी सुबह जल्दी हो जाती है, दिन बड़े आजकल के भाई, सामान पैक कर, मेरे को लगता है घर का सामान पैक कर निकल जाते हैं गाइस क्योंकि बारिश आने वाली है कभी भी, और इसमें डाल बैग में डाल इसको यार, छोटा मोटा सामान पैक कर, तू तो लबा रहा है सामान भर, नहीं मैं काम पर करता हूं पैक। तो भाई देखो अभी फ्लैश बंद की है तो आग ही दिख रही है बस, बाकी कुछ भी नहीं कुछ नहीं दिख रहा कैमरे में। 6:18 AM हो चुका है। ओके बाय बाय, आपसे घर जाकर ही मिलते हैं क्योंकि हाथ उठ भी ठंड गया अपना, मैंने संभाल लिया, ठंडी होगी मैं इस लिया ये ज्योति ने पकड़ा है फोन, तो चलो घर जाके मिलते हैं अब, चलो बाय। ओके